धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में तेज बरसात के बाद अनाज मंडी में रखा लाखों क्विंटल गेहूं भीग चुका है। पहले से ही पूर्वानुमान के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और गेहूं का सही उठान ना होने पर अनाज मंडियों में पड़ा गेहूं तेज बरसात के कारण किसानों के सामने भीगता रहा। वहीं बरसात के चलते जहां किसानों के खेतों में पड़ी फसल पहले ही खराब हो चुकी थी, वहीं अब मंडियों में पहुंचा बचा कुचा अनाज भी बर्बाद हो चुका है। बता दें कि देर शाम तेज हवाओं के साथ हुई जोरदार बरसात के कारण अनाज मंडियों में गेहूं भीग गया। मौसम का मिजाज भांपकर किसानों ने खेतों में पड़ी अपनी गेहूं की गांठों को समेटना प्रारंभ कर दिया। वहीं अनाज मंडियों में किसान अपनी गेहूं की ढेरियों को बारिश से भीगने से बचाने के लिए तिरपालों का इंतजाम करते हुए इधर उधर भागते नजर आए। बरसात के कारण खुले में पड़ी गेहूं की बोरियां भीग गई। बता दें कि अनाज मंडी में फड़ पर खुले आसमान के नीचे रखी बोरियों के उठान का कार्य धीमी गति से चल रहा है, जिसके कारण अनाज मंडी में गेहूं की ढेरियां लगी हुई हैं। वहीं आढ़तियों का कहना है कि उठान की गति धीमी होने के कारण भारी नुकसान हुआ है। इस बारे में खासपुर निवासी किसान आर्यन का कहना है कि 5 एकड़ खेत की गेहूं की फसल लेकर वे मंडी में पहुँचे थे, लेकिन बरसात के कारण सारी बर्बाद हो गयी। किसानों ने कहा, हर बार सरकार पुख्ता इंतजाम के दावे तो करती है, लेकिन बरसात के दौरान सब दावे फेल नजर आते हैं। वहीं इस बारे में मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह व अन्य किसानों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको वो भी सुनवाते हैं। 4,48,000 क्विंटल के करीब खरीद हो चुकी है, जिसमें से उठान 2,76,820 क्विंटल के करीब हो गया है और 37% के करीब हमारी लिफ्टिंग हो गई है। तो बरसात भी हुई है आज, तो क्या कितना नुकसान? हाँ, बारिश हुई है अभी, इतना इतनी बारिश से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। अगर दोबारा लंबे टाइम तक चलती है तो उससे दिक्कत रहेगी, इतनी तो बरसात से नहीं ज़्यादा नुकसान है जी कोई। तो किसानों को कोई अपील रहेगी? किसानों को अपील रहेगी भी, अभी थोड़ा सा मंडी में भी भरा हुआ है, तो अभी फसल थोड़ा रुक कर लाएँ तो ठीक रहेगा। आर्यन नाम है, खासपुर से आए हैं। तो कितने एकड़ की फसल लेके? अभी ये 5-5.5 किलो की है। कब से आपकी फसल जो मंडी में? कल शाम से। हाँ जी, तो क्या खरीद नहीं हो रही है, उठान नहीं हो रहा? अभी लेबर नहीं है ना, ये तो लाई हो रही, साफ नहीं हो रही, ऊपर से बारिश आ रही है और यहीं पे भीग रही है, मतलब कि उठाव नहीं हो रहा। ये नीचे पड़ी, अगर ऊपर शेड में नीचे जाएगा नहीं है, मतलब की। तो क्या कारण है, जगह क्यों नहीं है? उठान नहीं हो पा रहा फसल का, जैसे सरकार उठा नहीं रही है, सारी मंडी में कट्टे ऐसे रखे हैं, मतलब कि ये सड़कों पे पड़ी है जो अनाज तोलने के लिए रखा है, मतलब कि अब ऊपर से बारिश आ गई है तो ये खराब हो रहे हैं। तो पहले भी जैसे बरसात हुई और अब भी बरसात आ रही है, कितना नुकसान लगता है? बरसात का पहले बरसात हुई थी खेतों में, तभी उससे बहुत नुकसान हो चुका था। अभी यहाँ पे पड़ी हुई और ख़राब हो रही है, वो फिर बोलेंगे गिल्ली अभी खरीदनी होगी, उसमें नुकसान तो हो गए। वाकई में इस बार बेमौसमी बरसात व बार बार मौसम की बदलती करवट ने किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में सिर्फ कुरुक्षेत्र ही नहीं बल्कि हरियाणा की तमाम मंडियों में अब भी बरसात से गेहूं को भीगने से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, जिसका खामियाजा हर बार की तरह इस बार भी धरती पुत्रों को ही भुगतना पड़ रहा है। खैर, इस मामले को लेकर हमारे दर्शक अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें YouTube पर सच को हिंदी चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।